अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज के व्लॉग का आगाज करते हैं और आज मैं आपसे शाम के कामकाज की रूटीन आप लोगों से शेयर करूंगी। कपड़े मैंने धो लिए, बाकी जो है वो किचन का काम रहता है उसको भी जो है वो देख लेते हैं और आप लोग भी साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे कि कम क्यों बोलें, कम क्यों बोले। तो देखिए, जहाँ तक बोलने की बात है ना, तो बोलना जो है वो हम सबको बहुत पसंद होता है और मतलब हम अपनी फीलिंग्स, हम अपनी बातें जो है वो बोलकर ही कन्वे कर सकते हैं। तो ऐसे में जब हमसे कोई कहता है कि कम बोलो, तो अरे भाई किस लिए, क्यों, तो ये सुनने में ना हमें बहुत ही अजीब लगता है कि कम क्यों बोले। तो कम किस लिए बोले और कम जो है वो बोलना किस लिए जरूरी है, तो ये मैं आपको नीचे जाके बताऊंगी, क्योंकि किचन में काम भी करते रहेंगे साथ साथ में बातें भी करते रहेंगे। तो चलें जी, चलते हैं और नीचे चल के गप्पे शप्पे करते हैं और बातें भी होती रहेंगी। आइए, तो चिकन एंड टमाटो जो है वो हम रोस्ट करने जा रहे हैं। तो पहले जो है इनको मैंने हल्के से कट लगा के मैरिनेट करके रख दिया था, तो फिर इनको जो है वो मैंने 2 घंटे रखना था, लेकिन ये बस पूरा दिन ही रखे रहे, मैंने रख दिए थे। वो फिर कोई और काम में पड़ गई थी, जब याद आए तो फिर इनको जो है सोचा बना लूँ, ये बर्फ़ बन चुके थे। अच्छा जी, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक की तरफ आते हैं तो मैं बता रही थी कि सबसे पहली बात ये है कि कम इसलिए बोलें कि बाद में हमें पछताना ना पड़े। मतलब बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़्यादा बोलने के चक्कर में कई बार हमारे मुंह से कुछ ऐसा वैसा जो है वो मतलब निकल जाता है, जैसे मतलब हम किसी की बुराई हमसे हो जाती है। और मतलब जैसे हमारी एक पुरानी दोस्त है, काफ़ी अरसे के बाद हमारे पास आई है, हमसे मिलने आई है, तो कुछ हमारी मतलब सीक्रेट बातें होती हैं जो पर्सनल जो हमारी होती है वो हम नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन वो बातों बातों में हमें पता ही नहीं चलता कि बस हम जो है वो बातें भी उसको बता देते हैं। या इसके अलावा जैसे एक और सहेली है, बहुत करीबी है, उसने कुछ बातें अपनी मुझे बताई हैं, तो वो फिर मैं जब उसके साथ बैठती हूँ तो वो फिर वो मेरी उसकी बातें जो है वो मैं मेरे मुँह से निकल जाती हैं, उसको बता देती हूँ। तो मतलब जब इस तरह से बात निकलती है तो बहुत बुरा लगता है और सामने वाला जो है ना वो भी बहुत हर्ट होता है। मतलब कुल मिला के पछतावा ही पछतावा हम ये कह सकते हैं। तो फिर हम ख़ुद को कह रहे होते हैं कि मैं मतलब क्यों बोली, मैंने ये बात नहीं बोलनी थी, तो मैं उस टाइम जो है वो उठ के चली क्यों नहीं गई। मतलब इसीलिए कम बोलें, मतलब कम बोलने के बाद जो है मैं इतना बोलें कि मतलब बाद में पछताना ना पड़े। या फिर हम खामोश रहें, अगर हमने बोलना ही है तो अच्छा बोलें वरना खामोश रहें। दूसरी बात ये है कि जब हम मतलब कम इसलिए भी हमें बोलना चाहिए ताकि हम जो है वो चवल ना लगें, बेवकूफ़ ना लगें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है जैसे हम 2-3 सहेलियाँ बैठी होती हैं किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं, तो एक हमारी जो दोस्त है वो बिल्कुल खामोश बैठी है, कुछ बोल नहीं रही, तो हमें एक मतलब ख्याल आता है दिल में कि हो सकता है इस टॉपिक के बारे में इसको जो है वो बिल्कुल नॉलेज ना हो, जिसकी वजह से ये खामोश बैठी है, तो मतलब एक डाउट सा आता है। लेकिन जब वो बोलती है तो मतलब जो हमारा डाउट होता है ना वो बिल्कुल यकीन में बदल जाता है कि ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, इसमें तो बिल्कुल ही अक्ल नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब उसको नॉलेज नहीं है जिस टॉपिक पे वो बात कर रही है। तो अगर हम मतलब वो कम बोलती तो कम से कम जो हम लोग थे, हम उसे सुन रहे थे, हम ये सोच रहे थे ना कि हम एक डाउट में थे, लेकिन जब उसने मतलब बोलना शुरू किया तो फिर हमें जो है वो हमारा जो डाउट था वो यकीन में बदल गया। तो इसलिए कहते हैं कि ना सोच समझ के बोलना चाहिए, और जो समझदार लोग होते हैं ना वो जो है दिमाग चलाते हैं, और जो बेवकूफ़ होते हैं वो जो है ज़बान चलाते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, चिकन भी बहुत मज़ेदार रोस्ट हो चुकी है, साथ में मैंने टमाटो इसलिए रोस्ट किए थे ताकि इनकी जो केचप का टेस्ट है वो मैं ले सकूँ, जूसी जूसी। प्याज भी बहुत मज़े के फ्राई थे, तो आज की रेसिपी भी बहुत मज़ेदार बनी है। ये सिर्फ मैंने अपने लिए बनाई है, बाकी जो है वो चिकन मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं खाता शौक से।